मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना बड़ा झगड़ा हो गया और उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। इनफैक्ट वो तो ये बोल रही थी कि वो शॉपिंग मॉल में गई थी, उसके बाद वो एयरपोर्ट पे गई, पूरी रात तो सूरी का वेट कर रही थी लेकिन सूरी नहीं आया। तो फिर वो एयरपोर्ट से मंदिर कैसे जाएगी भाई? क्या बात कर, उसने मुझे खुद मैसेज करके वहां पर बुलाया मंदिर में। यार कौन सा मंदिर में, तुम किस मंदिर की बात कर रहे हो? उसी शिव मंदिर की जहां हम तीनों ने वो कांड किया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो उस मंदिर में क्या करने गया था? हां मैंने बताया ना, मनीषा ने मुझे मैसेज देकर बुलाया था कि वहां आ जाओ और फिर हम दोनों कहीं भागने वाले थे। लग गई शैलेश, बिन भाव के लग गई तुझे। उसने मैसेज फोन दे अपना, फोन दे अपना। क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? तेरे पाप धो रहा। अरे ये मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? एंकी यही तो एक सबूत था जिससे पता चलता कि मुनीषा ने मुझे मैसेज। यही एक सबूत था, यही एक सबूत था जो तेरे ऊपर भारी पड़ सकता था, समझा इडियट? अपने अपने दिमाग पे जरा जोर डाल कि सूरी की इस नई बीवी को उस मंदिर के बारे में कैसे पता था, सोच। और अगर उसे इस मंदिर के बारे में पता भी होता तो वो तुझे वहां पे क्यों बुलाती? इडियट, उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो पूरी रात एयरपोर्ट पे थी। तो फिर सोच, कौन हो सकता है, किसने तुझे वहां पे बुलाया? वो शैलेश, वो मनीषा नहीं थी, कोई और थी जिसने तुझे मैसेज करके मंदिर पे बुलाया, सूरी को वहां बुलाया और ये सारा खेल रचा। कौन कौन हो सकता है? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नागिन, ये सारा किया कराया उसी नागिन का है दोस्त। उसने अपना खेल खेल दिया, उसने अपनी चाल चल दी और I'm sure वो सूरी गया दोस्त। क्या बात कर रहा है? नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, हम दोनों ने गुरु माँ की दी हुई अंगूठी पहनी थी उस समय, कैसे हो सकता है यार? यही तो हैरानी की बात है यार कि अंगूठी के होते हुए सूरी की जान कैसे? तबीयत कैसी उसकी, क्या कहा? अभी उसकी तबीयत ठीक है और वो दोनों वहां से निकल रहे हैं। थैंक गॉड, उन दोनों का आना बहुत जरूरी है, नहीं तो नागिन ना। मिल गई, नागिन मिल गई। क्या? इंटरनेट पे। पता है इसमें लिखा है कि अगर नागिन किसी के पीछे पड़ जाती है ना तो वो अपना बदला लेके रहती है और जब तक वो उसकी फैमिली के हर एक मेंबर को मार नहीं देती तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिर महाकाली यज्ञ करके क्या फायदा होगा, हम जा ही क्यों रहे वहां? वैसे भी नागिन को अपना बदला लेना है और वो अपना बदला लेके रहेगी। तन्वी, तो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना? वो नागिन हर वक्त हमारे आसपास मौत बनकर मंडरा रही है, उससे बचने का कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा। एक इच्छाधारी नागिन को कोई नहीं मार सकता, उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक शक्ति है इस दुनिया में। अब वही शक्ति उस नागिन को मार सकती है और वो है काली माँ की शक्ति। ओहो यामिनी भाभी, अब कुछ भी बोलते हो आजकल के मॉडर्न जमाने में, आज की दुनिया में कहां से आएगी महाकाली? देखा किसी ने अपनी आंखों से किसी देवी को महाकाली? वो माँ है, देवी है। शक्ति है। रम्या, क्या तुम नहीं जानती माता चढ़ती है? चढ़ती खुद कभी हमारे सामने नहीं आती, वो किसी ना किसी रूप में ही आती है। माँ, आज की दुनिया में ऐसा होता है क्या? अंगद, होता है। हमारे पूर्वजों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है और तो और हमारे पुराणों में भी लिखा है। गुरु माँ जिस मशान में ये काली माँ का यज्ञ करवा रही है उस मशान में सदियों पहले अमावस्या की रात कड़ी साधना आराधना करने के बाद ही काली माँ को जागृत किया गया था और काली माँ का जागृत रूप होता है रौद्र रूप और रौद्र रूप में काली माँ अपने दुश्मनों का विनाश कर देती है।
काली शिव की भक्त और शिव ही काली, और इस काल को सिर्फ एक ही काट सकती है और वो है काली। और तो और गुरुमा ने ये भी कहा था कि शिव का वरदान है उस नागिन को, शिव की वरदानी उस नागिन से सिर्फ काली हमें बचा सकती है और वो हमें बचाएंगी। और मेरा विश्वास कहता है कि वो आएंगी, क्योंकि आज भी इस दुनिया में शक्ति है। गुरुमा, हमारी ये हालत बहुत खतरनाक, वार किया है उस नागिन ने हम पर, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आ पहुँचे आपके पास। पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ, उस नागिन को तो आना ही था, लेकिन आज इस यज्ञ के बाद उस नागिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तुम सबको माँ काली ने बचाया है, माँ काली की माया, और आज इस यज्ञ के बाद इनकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। माँ आएगी। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। देखिए गुरुमा, आपने हमसे जो कहा वो हमने किया, आपने हमें यह अंगूठियां दी, हमने पूरे विश्वास के साथ पहनी थी, अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। हमारा दोस्त लेकिन गया, सूरी मर गया। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन उसके बाद भी सब गुरुवा सब गलत ही हो रहा है। अभी अभी रास्ते में इतने बड़े सांपने हमारे पास को घेर लिया। मेरा पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है गुरुवा, हम सबकी जान खतरे में, बात को समझने की कोई दिक्कत नहीं। गुरुवा, वो नागिन बहुत भयानक है, हमें नहीं लगता कि बच पाएगा उसे। ये एक ही है जो इच्छाधारी नागिन से लड़ सकती है, ये माँ काली। गुरुमा देखिए, मुझे आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी हालत को समझने की कोशिश की गुरुमा, हम किस मुसीबत से निकल कर यहाँ तक पहुंचे, कितनी जद्दोजहद की है हमने, ये अभी जानते हैं। आपको लगता है ना कि इस यज्ञ करने से कुछ फायदा होगा गुरुमा? मत करो इतने सवाल, हर सवाल का जवाब हर सांसों को जिंदगी ये देगी। आज इस मशान में माँ काली जरूर आएगी, आएगी माँ उस नागिन का अंत करने। माँ काली यहाँ आएगी हमारा झगड़ा निपटाने के लिए? नहीं गुरुमा, मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ आएगी, वो माँ है, भोली है। कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें लगा था कि वो काली माता आएंगी और उस नागिन को खत्म कर देंगी, लेकिन वहां पे एक्चुअली हुआ क्या है हम में से किसी को नहीं मालूम। ये सारा का सारा ड्रामा शुरू हुआ है उस सूरी के जाने के बाद से। नहीं अंकित जी, ये सब उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन ऋतिक 25 का हुआ। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये सब तब शुरू हुआ जब हम उस हवेली में वापस गए और वहां पे गड़े हुए उस राज को हमने कुरेद किया। बस अंकित जी बस, बार बार उसी बात को बहुत दोहराइए, अब जो हो गया सो हो गया, ये सोचिए हमें आगे क्या करना है। एंकी, मेरी एक बात सुनेंगे, ये सारे फसाद की जड़ वो हवेली है, तू हवेली को बेच क्यों नहीं देता? अरे हवेली बेच तू, कैसे बेचू पता? जानता है ना देवड़ी वहां पे, और 20 साल पहले हमने जो कांड किया हुआ है उस कांड का राज उसी देवड़ी के अंदर बंद है, कैसे बेच दू बता, कैसे बेचू? देवड़ी का राज? कैसा राज? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गए? वो मेरा एक इयररिंग गाड़ी में छूट गया, अभी लेकर आ। तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ले आऊंगी। ओके, जल्दी आना। गड़बड़ हो गई यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, जूते में दाल बटने की नौबत आ गई है, उस हवेली में वापस हमें जाने नहीं चाहिए था। लेकिन ये यामिनी जी की जिद की रीति की सगाई करेंगे, वहीं से करेंगे, सारे रीति रिवाज वहीं पूरे करेंगे। सारे रीति रिवाज पूरे हो गए, जानता है ना देवड़ी, अगर देवड़ी का दरवाजा खुला और वो 20 साल पुराना राज अगर सबके सामने आया तो सबकी बैंड बजेगी, सबकी। ऊपर से वो
माली काका का राज। अगर वो सामने आया तो खत्म।